चले थे वेस्ट से और पहुंच गए ईस्ट, और ये नागालैंड का एरिया है दीमापुर। यहाँ पे सर उतर जाएंगे, एक एक करके सब उतरते जा रहे हैं और आखिरी स्टॉपेज हमारा है। बिल्कुल अकेला ही बचेंगे सर लास्ट में। चलो अली सर को भी यहाँ पे हम दार दे रहे हैं। आ जाओ सर। आसाम में स्वागत है। अरे यहाँ पे ना 4:45 यानी 4:45 ही सुबह हो गई। हालांकि ट्रेन बहुत लेट हो चुकी है, बट फिर भी ठीक है। एंजॉय एंजॉय एंड एंजॉय। हेड टू टेल बिल्कुल आपको नज़र आ जाएगी ट्रेन की। वरना ये है दीफू गांव, गांव नहीं शहर है। चले थे वेस्ट से और पहुंच गए ईस्ट, और ये नागालैंड का एरिया है दीमापुर। यहाँ पे सर उतर जाएंगे, एक एक करके सब उतरते जा रहे हैं और आखिरी स्टॉपेज हमारा है। बिल्कुल अकेला ही बचेंगे सर लास्ट में। चलो अली सर को भी यहाँ पे हम दार दे रहे हैं। आ जाओ सर। ये सर यहाँ पहुँच गए, ये है दीमापुर और ये नागालैंड में पहुँच जाता है। तो अच्छा, अभी भी हमें यहाँ से 6 घंटे की रनिंग और करनी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? लास्ट इसी में है। और हमारा जर्नी जो है धीरे 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 हम भी कंटिन्यू तब कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ काफ़ी भीड़ थी, सब लोग उतर गए यार, सब चले गए रात से ही। आज नाइट से ही जो है लोग उतरना शुरू कर दिए, सब लोग का अपना अपना स्टॉपेज आया, चले गए। और ये पूरा कंपार्टमेंट अब खाली हो गया, सिर्फ मैं बचा हूँ और एक भाई ऊपर में और है, जिसे यहाँ से और 3 घंटे बाद उनको उतरना है। और उसके आगे भी सबसे लास्ट स्टॉपेज मेरा है। तो लग रहा है कि ये लास्ट जाते जाते इस बोगी में ही मैं अकेला रह जाऊँगा। वैसे देख दो लोग और बोले कि मुझे भी जाना है 3 छुट्टियाँ, तो वो भी साथ जाएंगे। जर्नी काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी अच्छा, बिल्कुल फैमिलियर हो गए थे। वो उतरे तो थोड़ा सा मन भारी भी लगने लगा। फर्स्ट टाइम मैं नॉर्थ ईस्ट आया हूँ, अच्छा लग रहा है यार। आगे कंप्लीट जा रही है आपका भी? ना मेरा तो अब सर लोग जाएंगे 3 सुकिया तक। आप लोग 3 सुकिया तक ना सर? हाँ जी। क्या नाम सर आपका? इमरतुल हुसैन। और आपका सर? आसिफ अलवी। सर लोग 3 सुकिया तक हैं। आप कहाँ से आए थे सर यहाँ पर? रात में आए थे ना जी? हाँ, तो सर लोग रात में, तो ऐसे रास्ते में फ्रेंड्स मिलते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं लोग, अच्छा लग रहा है। सर मैं फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट आया हूँ, अपने कंट्री को ही नहीं जानता था, तो नॉर्थ ईस्ट आना ज़रूरी था। मैं नॉर्थ ईस्ट आया हूँ, सर लोग ऐसे काफ़ी फैमिलियर हो गए थे, सब लोग आए ना सर, काफ़ी अच्छे लोग हैं। मिला ना पंजाब का एक दरी वाला? हाँ, सरदार जी। हाँ, वो तो वहाँ उतर गए, वो भी हमारे साथ में। हाँ हाँ, वो हमारे साथ वहीं से आ रहे हैं। मैं आपको कल शाम को ही देखा था। अच्छा, कल देखा था मैंने, उतर के एक वीडियो बना रहा था सर। चाय, नाश्ता, पकोड़े ऐसा बता रहे हैं। चाय नाश्ता, गरम नाश्ता, आलू पकोड़ा। क्या क्या है? आलू पकोड़ा है सर। आलू पकोड़ा, अभी तो समोसा भी बता रहा था। समोसा भी है सर। ये कैसे दिया? 30 का प्लेट है सर। 20 के जगह 30 कर दिए? नहीं, 10 रुपये का ये एक। ये है आलू बोंडा, सुबह का नाश्ता खा लेता हूँ। आलू बोंडा बोलते ना? हाँ। आप लोग क्या बोलते हैं? आलू बोंडा। हम लोग आलू बोंडा बोलते हैं। महाराष्ट्र में इसको आलू बोंडा ही बोला जाता है। हाँ, ना हाँ, हाँ। हाँ, तो ये चलो यार, कम से कम ना आ रहे हैं 30 रुपये, 30 रुपये की है, ठीक ही है, ट्रेन में खाने को मिल जा रहा है, यही बहुत है। तो ये रहा 30 रुपये, ठीक है, तो 30 रुपये का मैंने आलू बोंडा ले लिया जी। ओके सर, थैंक यू। तो नाश्ता खाएंगे सर लोग? 30 30 30 आलू बोंडा ही बोलते हैं सर उधर भी ना? आलू बोंडा बोलते ना, यहाँ क्या बोलते हैं? आलू पकोड़े? नहीं, जैसे कि और से बेटर बोलते हैं कि आलू पकोड़े बोलते हैं। अच्छा, हम तो आलू बोंडा ही बोलते हैं। हाँ, हम लोग इसको आलू बोंडा बोलते हैं।
क्या बोलते हैं यहाँ पे? आलू बुंडा। आलू, आलू बुंडा। हाँ, ये एक्चुअल में मैं महाराष्ट्र से पढ़ा हूँ ना, तो वहाँ पे आलू बुंडा ही बोला जाता है। आलू बुंडे समोसे, ये आपको तिनसुकिया बेंगलोर में जो चल रहे थे आलू बुंडे ही बोलते हैं। सर ने ना अभी ब्रेड भी बोला, ब्रेड भी खाओ। चलो सुबह का नाश्ता है, मना तो नहीं करूंगा मैं। तो ये ब्रेड सर ने दिया और आलू बंडा। सर आप आलू बंडा खाओ सर। ले लेंगे। तो आलू बंडा सर ने मैं लिया, सर ने आलू ये किया। थैंक यू सर, अच्छा लगता है हमें ना लोगों से ऐसे ही मिलके खाने खाते हुए चलना है सर। अच्छा लगा। नॉर्थ ईस्ट में एंट्री हो गई है और देखना यार नॉर्थ ईस्ट का कल्चर कैसा है। लोग अच्छे हैं सर, नॉर्थ ईस्ट के हैं, अच्छा लगेगा ऐसे ही मिलते हैं सब लोग अच्छे मुझे, बस और कुछ नहीं करेंगे आगे भी अच्छे मिले। बिल्कुल, हम तो सर उसके बंदे हैं और वो ना सर बोलता है कि जाओ घूमो घूमो तुम, तो हम इधर आ गए सर। जॉब अब छोड़ के आए हुए थे, यानी वही भेजा है, हमारा थोड़ी ना चल रहा है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम बहुत कुछ कर लेते, अपने हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जो है वो उसके हाथ में, उसका इशारा है जाओ तो जाओ। बिल्कुल सही है, मैं तो उसके बंदे हूँ और वो हमें भेजा है कि घूमो, तो घूम रहा हूँ सर क्योंकि जॉब छोड़ के घूम रहा हूँ। बिल्कुल ट्रेनें मिल गई, ये लोग शिव सागर से आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं कहाँ, रंगिया तक जाएगी ये ट्रेन, रंगिया तक जाएगी। इसी के चलते रोक रहा था, इसी से। ओके, चलो भाई लोग। तो ये फोर डेज स्पेंड किया इस ट्रेन में। हम चले थे 5 तारीख को और आज 8 तारीख है। हम पहुंच गए हैं तिनसुकिया, आसाम का सबसे लास्ट स्टॉपेज है। इस अभी तक लाइफ में सबसे मतलब लंबी जर्नी हमारी है ये। इतना लंबा जर्नी मैंने ट्रेन से कभी नहीं किया था। तो ये मेरा 4 डेज और 3 नाइट, 3 नाइट पूरा ट्रेन में ही बिताया मैं। अच्छा रहा, लोग अच्छे मिले, बढ़िया रहा। अब आगे के सफ़र देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं सर, चलते हैं सर, अच्छा लगेगा है ना, मिलेंगे हैं ज़रूर। बाय बाय, उतर ही रहे हैं बस, चलते हैं सब लोग। कुल मिला जुला कर सभी लोग अच्छे मिले ट्रेन में, बहुत बड़ी बहुत अच्छा लगा। 4 दिन की जर्नी ना, मज़ा आया यहाँ इसमें काफ़ी। और ये हमारा ना लाइफ का सबसे लंबी जर्नी रही, मैंने अभी तक इससे इतना लंबा जर्नी किया नहीं था कभी। 2700 किलोमीटर, 27 से ज़्यादा, 2750। ओके सर, आज मिलेंगे, मैं रुक रहा हूँ आज यहीं पे। ओके सर, नमस्कार, बाय बाय। बाय बाय सर, बाय 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 बाय। तो ये है तिनसुकिया जंक्शन, काफ़ी अच्छा लगेगा यार। अब हमें जाना कहाँ है मुझे नहीं पता। लीडो मतलब इधर का लास्ट वो है क्या? ओके, 1 लास्ट ट्रेन है यार, और कहीं आगे के लिए पता कर। घर गया, ऐसा बात नहीं है, सभी जगह नीट एंड क्लीन लगता है। छोटी सा स्टेशन है, 3 या 4 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, पर ठीक है। यहाँ पे एक लॉन्च भी है। स्टेशन से निकल रहा हूँ, स्टेशन पहुँच गया था, यहाँ से निकल रहा हूँ। ये है यार जंक्शन, तिनसुकिया जंक्शन, और यहाँ से हम जाना चाह रहे हैं बस स्टैंड। देखते हैं यहाँ से हिचहाइकिंग करेंगे। बस स्टैंड के लिए रास्ता बोल रहे थे, सीधा ही है। हेरिटेज पार्क भी बनाया है भाई यहाँ पे, पीछे ना लिखा है हेरिटेज पार्क। देखते हैं, ये है हमारा यार अपना खान बान आन तिरंगा। हाँ नहीं, बारिश यार, तिरंगा लहरा रहा है यार, मज़ा आ रहा है। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड 3.35 किलोमीटर दिखा रहा है। लिफ्ट मांगता हूँ यहाँ से बस स्टैंड के लिए। सर लिफ्ट लिफ्ट, बस स्टैंड नहीं, बस स्टैंड
नहीं, कोशिश कर रहा हूँ यार मिल जाए। ये बस स्टैंड जाती ना, बस स्टैंड इसी तरह से ना सर, लिफ्ट लिफ्ट आउट तो जाती है पर हिचाइक करना है मुझे शहर के अंदर, क्योंकि ये हमको देखना है यार नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट मिलती है कि नहीं सिटी के अंदर। ये अच्छा है यार, यहाँ हिंदी समझते हैं लोग तो थोड़ा सा ठीक है, यहाँ हिंदी लोग समझते हैं ये एक बेनिफिट है। सर लिफ्ट दे दो, बस स्टैंड, बस स्टैंड आ जाओ सर। ओके थैंक यू, और ये लिफ्ट मिल गई, थैंक यू आसाम। आसाम में हूँ नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट टाइम, और हम ट्रैवलर हैं सर। हाँ सर, हाँ तिनसुकिया, ये तिनसुकिया टाउन है, सर ने लिफ्ट दिया है, थैंक यू सर, और मुझे नॉर्थ ईस्ट में पहली लिफ्ट मिली तो अच्छा लगता है यार जब लिफ्ट मिल जाती है। ओके सर, ओके सर, आपका क्या नाम सर? चंदन। चंदन सर ने लिफ्ट दिया यार, ये फर्स्ट टाइम तिनसुकिया में नॉर्थ ईस्ट में सर, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा। और मैं पहुंच गया होटल अमृत में, काफ़ी अच्छा यार, एकोमोडेशन वाइज अच्छा लग रहा है। आप देखो रूम भी देखा, छोटा है लेकिन फर्निश्ड है बढ़िया। ये है रूम, सिंगल बेड, और ये मच्छरदानी लगाने के लिए है, फैन वैन लगा हुआ है, ठीक है, एक बोल सकते हैं अच्छा एकोमोडेशन। ये उनके लिए है जो लोग बजट में घूमना चाहते हैं, फ्री में घूमने का मतलब है कि आपको थोड़ा अमाउंट तो लगेगा, ज़रा सा अमाउंट लगेगा, तो नेचुरल सी बात है पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ही, खाने के लिए लगेंगे, थोड़ा सा ट्रैवलिंग में भी कभी कभी इमरजेंसी में ट्रैवलिंग में भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको इस तरह का एकोमोडेशन मिल गया, अच्छा है। वहाँ से जो जलंधर से मेरा जो ट्रिप रहा तिनसुकिया तक, टोटल 2751 किलोमीटर, यानी 2751 किलोमीटर की ट्रैवलिंग किया मैंने, और 7 स्टेट ट्रैवल करके आया हूँ, ठीक है, 4 days और 3 nights, तो स्नान भी नहीं किया यार, अभी स्नान करूँ भाई।